नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त तुषार तिवारी आज एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा। बहुत टाइम से इस टॉपिक पर बात करने की सोच रहा था, डिस्कस करने के बारे में सोच रहा था। आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स क्यों ग्रोथ नहीं करते हैं, क्यों उनकी इतनी अच्छी गुडविल नहीं बनती है, क्या रीज़न है? देखिए, मैंने देखा है इतना अच्छा स्टडी देने के बावजूद भी बच्चे या स्टूडेंट्स या माता पिता या पेरेंट्स हमेशा फीस को प्रेफर करते हैं। इवन सारे इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आसपास, वो अपनी क्वालिटी बढ़ाने के बजाय अपने रेट घटा देते हैं। हमेशा से यही होता आ रहा है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं बता दूं आपको, मैं 2018 से यहाँ बहुत एक्टिवली पढ़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। और मैंने ये चीज़ बहुत ज़ोर से नोटिस की है कि भाई, कि ग्रोथ नहीं होती है। एक सडन आप एक ही जगह बने रहोगे। मैं मान लो, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर इस महीने 5,000 इनकम, इस साल 5,000 इनकम कर रहे हो पूरे साल, तो अगले साल आप 10,000 करो, फिर अगले साल 15,000 करो, ठीक है? लेकिन ये वो सेक्टर बनता जा रहा है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। मुझे मैं श्योरली मैं लिखित बता सकता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशंस की इनकम स्थायी होती है। इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे हैं जो कई सारी जगह जाके खोल के इंस्टीट्यूशन वापस बंद करके आए हैं। तो उसका रीज़न क्या है? यही एक रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो है कि हमारे बीच में संगठन ना होना। आपको बता दूँ, लॉयर्स के बीच में संगठन होता है, ड्राइवर्स के बीच में संगठन होता है, सब्जी वालों के बीच में संगठन होता है। ये संगठन क्या है? जैसे मान लीजिए एक ने 25 रुपये का आलू लगाया तो सभी 25 रुपये का आलू लगाते हैं, एक ने 20 रुपये का आलू लगाया सभी 20 रुपये का आलू लगाते हैं। कॉम्पिटिशन ठीक है, आलू की क्वालिटी बढ़िया करिए। इसी तरह मैं कहता हूँ एजुकेशन की क्वालिटी बढ़िया करिए। अगर अच्छा, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो मैं कोर्स अकाउंट, जैसे मैं जो 4,000-5,000 में पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो कोर्स 12,000 लखनऊ में मिलता है, 12,000-15,000-20,000 में, ठीक है, 12,000 से नीचे कहीं नहीं है वहाँ पे। और 12,000 में भी वो नहीं पढ़ाते जो मैं पढ़ाता हूँ या हम पढ़ाते हैं जो, तो क्यों नहीं? ये बहुत चिंता का विषय है। मैं आपको बताता हूँ, 2005 से मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। 2005 में इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ओपन हुए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो 2005 से चल रहे हैं, 10-15 साल पुराने हो चुके हैं, कुछ चले फिर बंद हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ 2005 का क्या सीन था। 2005 में जब मैं स्कूल्स में पढ़ता था, तब मेरे स्कूल की फीस 50 रुपये थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एकेडमिक और कंप्यूटर का कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको। 2005 में मैं एक स्कूल में पढ़ता था जहाँ 50 से 60 रुपये मेरी फीस थी। मैं तब इंस्टीट्यूशंस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में 250 रुपये फीस थी कंप्यूटर्स की, बेसिक कंप्यूटर की 250 से 300 रुपये पड़ती थी। उसके बाद फिर हम लोग आए 2010 में आए, 2010 में मेरी फीस हो गई उसी स्कूल में 200 रुपये। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फीस लगभग 200 से 250 रुपये, 300 रुपये, ठीक, आप 350 तक भी पहुंच गई थी। 2015 में मैंने खुद ने कंप्यूटर सीखा, तब भी जो है 350 बस 350, 300, 250। और अब एकेडमिक में जो स्कूल्स थे उनकी फीस जो हो गई वो 700 रुपये, 800 रुपये हो गई। और आज का सिनेरियो है 2022 है, आज सेम स्कूल जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसकी फीस 1,000 रुपये है, सेम मेरी क्लास के लोगों की, जो हमने 200 रुपये दी आज 1,000 रुपये है। और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जहाँ पर कंप्यूटर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है, रेंट लगता है अगर आपका बिल्डिंग नहीं है, तब वहाँ पर फीस आज भी 250 रुपये, 300 रुपये। और ये क्रेडिट, ये गलती मैं किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट्स के बजाय टीचर्स को देना चाहूँगा, जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी बढ़ा नहीं सकते आप रेट ही घटा सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी इंक्लूड हूँ उनमें। वाई मैं, क्योंकि क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है यार भेड़ चाल में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस तरह के अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मेरी एक रहती है कि मैं एक लेवल सेट करूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ फीस सेट करूँ। जब उस तरह का मैं मटेरियल, जब मैं अगर कुछ अच्छा मटेरियल देना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा दब जाता हूँ, यार नहीं यार रहन दो यार, फीस बहुत कम है यार, कैसे देंगे यार, अब वेयर नहीं कर, घर पे तो थोड़ी दे देंगे। जाहिर सी बात है हम सब ग्रोथ के लिए आते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, आप अगर मैनुअल अकाउंटिंग की फ़ीस पता करेंगे एक महीने की,
लखनऊ चले जाइए, जो अच्छा टीचर हो उससे पता करिए, 3,000 रुपये एक महीने की फीस है। और यहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग जो बाय हैंड होती है, ठीक है, फिनेंशियल अकाउंटिंग 2,000-2,500 ऐसे दे रहे हैं। मतलब कतई ही लेवल गिरा दिया है लोगों ने। 200 रुपये में बेसिक चला रहे हैं, 200, 250, 300 कहो तो, अगर हम 200 कर दें तो वो कहो फ्री कर दें वो, ये हालत तो ये है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यार, क्या यार, क्यों मैं इस सेक्टर में आया, मतलब ये चिंदी चोरी करने आए हैं, 258-54 का मतलब इनकम मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वाकई इनकम हो, बच्चों का भी भला हो। आपको बता दूँ, मेरे पास इसके अलावा कई सारे और काम हैं, मैं इस टॉपिक के अलावा कई सारे और कामों पर बात कर सकता हूँ, लेकिन ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हेड हैं, जितने भी लीडर हैं, उनको कंसर्न होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं उनसे ये सब बातें कह रहा हूँ, मिलिए, बैठिए, बात करिए, एक संगठन बनाइए, कंटेंट बढ़ाइए, फीस रेट घटा के कहाँ तक जाएंगे। अब 5-5 साल पुराने सेंटर, जिनको पूरा संडीला जानता है, मान लीजिए, सपोज करिए, अगर आप ऐसा लगता है कि आपके सेंटर का संडीला में नाम है, तो व्हाई यू आर डूइंग दिस, आप क्यों ये सब कर रहे हैं और हर साल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। जब नया सेंटर हो तो समझ में आता है कि ठीक है, चलो आपने फीस रेट गिरा दिया, ठीक, समझ में आता है कि न्यू सेंटर है, चलो ठीक है, इन्होंने ऑफर दिया ताकि इनको लोग जान पाए, नया नया सेंटर है ताकि लोग इनको जान पाए। लेकिन पुराने पुराने सेंटर्स जो, मतलब जिनको 5-5 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, वो भी यही काम करते हैं। बहरहाल, बच्चों से भाई एक बात बोलना चाहूँगा, फीस पर डिपेंड मत होइए भाई। अगर आप फीस को लेकर करते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, आप 2,000-2,500-3,000, 200-250 में पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन क्या वो 200-250 वाला आपके काम आने वाला है, ये सोच लीजिएगा। आप यहाँ किसी भी चले ऑफिस में, चले इंस्टीट्यूशन में, चले जाइए ऑफिस में, चले जाइए किसी भी, वहाँ जितने भी आपको लगे हुए बच्चे मिलेंगे वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ कर आए होंगे, ठीक है। संडीला में लगभग अप्रॉक्सीमेट मेरे 50 स्टूडेंट्स वर्किंग हैं इस समय, 50-60 स्टूडेंट्स वर्किंग हैं। वाई? क्योंकि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और सभी से दरख्वास्त भी है भाई कि स्टडी कंटेंट बढ़ाइए अगर इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना है। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक वजह होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब अच्छा करेंगे, जब इनकम अच्छी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, लखनऊ में लोग जल्दी एडमिशन क्यों लेते हैं, बिना डैमो के खट से स्टूडेंट का क्या मेंटेलिटी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट गया, उसने देखा वाह एसी लगा है, ठीक है, बढ़िया प्लास्टर है, बढ़िया सा डिज़ाइनिंग है, शेड्स है, और बढ़िया सा एक एक्यूरेट स्मेल आ रही है, मतलब हर एक चीज़ लुकआउट करता, वातावरण अच्छा है। और जैसे गया उसने तुरंत एडमिशन लिया। यहाँ पे क्या आया, अच्छा यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, ठीक है, यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए इतना इनकम नहीं है, तो ये सब हम रिपेयर इतना नहीं करा पाते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा सपना है कि डिजिटल बोर्ड लगाना है मुझे, डिजिटल बोर्ड तो तब लगाएंगे ना जब इनकम होगी, इनकम हो अच्छी, तभी तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। रीज़न ऑफ दैट, क्योंकि यही रीज़न है। और जो लोग ये फीस कम करते हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रहे हो, जैसे मैं इस बात से एग्री करता हूँ, कई सारे लोग बहुत बोलते हैं ये मैं दे रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, फिर ये सब क्यों 250 यार, लिटरली 250 का मतलब हुआ 10 रुपये पर डे के हिसाब से भी इनकम नहीं आई, 10 रुपये पर डे के हिसाब से भी इनकम नहीं आई 250-200 में। इतना, इससे तो साइबर कैफे लेता है 25 रुपये पर डे का, इससे अच्छा तो मैं साइबर कैफे खोल देता तो वो सही रहता, बच्चों को मैं साइबर कैफे के तहत पढ़ाता कि हाँ ठीक है, जिसका मनो वो आए, जब मनो तब आए, ठीक है। तो बच्चों को भी थोड़ा सा कंसर्न, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन से बचना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लालच देते हैं, शिक्षा नहीं देते। मैं अपनी बात इसी से खराब ख़त्म करता हूँ, अगर किसी को खराब लगा हो तो भाई तहे दिल से सॉरी, क्योंकि क्या रहता है ना, कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं, लेकिन ये सीरियस इशू है। इस इंस्टीट्यूशन, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन को ग्रोथ करना ज़रूरी है, हम सबको सोचना पड़ेगा, एक साथ सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 250, 200, 300, 350 में करियर नहीं बनने वाला, ठीक है ना आपका।
ना किसी और का। थैंक यू।